नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धनु राशि वालों, दोस्तों क्रिकेट की तरह रंग बदलेगा यह इंसान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आपको पता नहीं है कि आपके ऊपर नया षड्यंत्र रचा जा रहा है। जी दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच जो ग्रहों की दशा बता रही है कि आपके ऊपर कोई नया षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको गड्ढे में गिराने की पूरी तैयारी में यह लोग लग चुके हैं। तो दोस्तों आपको संभालना यह समय बहुत ही आवश्यक होंगे। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में ग्रहों के पूर्ण विश्लेषण और पंचांग की गणना के अनुसार हम आपको बताने वाले कि यश में आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहना होंगे और इनके अनुसार ही बात करेंगे कि दोस्तों इसमें ग्रहों की जो बदलती चाल होगी उनका प्रभाव आपके ऊपर क्या होगा, किन किन क्षेत्रों में इसमें आपको लाभ मिलेंगे, किन किन कार्यों से करने से इसमें आपको अच्छी उपलब्धि इसमें मिलने वाली है, घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार, कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, इन सभी के बारे में भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जय दोस्तों, उससे पहले सर्वप्रथम जो भी शिव भक्त, जो भी श्री राम के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों से जो कि यह समय अंतराल में आपको ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। जय दोस्तों, कि दोस्तों जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। जी दोस्तों, और इन बातों का ध्यान आप यह समय जरूर रखें कि दोस्तों अक्सर यह व्यक्ति आपको धोखा देते हैं, आपके साथ रखकर आपके राज पता कर लेते हैं और अंत में जब परिणाम की बारी आती है तो दोस्तों वश में आप देखते हैं कि आपके अपने ही लोग आपको धोखा दे देते हैं। तो दोस्तों यश में भी आपको आपके ऊपर जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसलिए दोस्तों इन बातों को आप यश में जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इनके लिए लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यह समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है, संतान के भविष्य को लेकर कुछ लाभदायक योजनाएं बनेंगी जिनमें दोस्तों आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, सामाजिक गतिविधियों में भी व्यस्तता बनी रहेगी, घर में किसी नजदीकी मेहमान के आगमन से खुशी भरा वातावरण रहेगा। साथ ही इसके साथ अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय अपनी सफलता संबंधी दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहें। अगर यह समय वाहन संबंधी कोई भी लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों उसमें जो है भली भांति विचार कर लें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। और साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपको नए अनुभव और नई बातें सीखने के लिए यश में अवसर प्राप्त होंगे। परिवार के लोगों द्वारा आपको जिम्मेदारियां मिलनी शुरू हुई है, इसलिए दोस्तों किसी भी बात को अनदेखा ना करें और आपके ऊपर रखे हुए भरोसे को कायम रखने की कोशिश आपको यश में करनी होगी। विद्यार्थियों का अभ्यास में मन लगा रहेगा और युवाओं को भी नई संधि प्राप्त हो सकती है। दोस्तों परिस्थिति में अचानक से जो है सकारात्मक बदलाव भी यश में दिखने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपके मन मुताबिक कोई अच्छी कार्य भी पूरी हो सकती है और जिसकी वजह से आपका मन खुश रहेगा। नवीन कार्यों की योजनाएं भी यश में बन सकती है तथा उनको जो है कार्य रूप देने के लिए जो समय होंगे, जो लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों अपने आत्मविश्लेषण द्वारा स्वयं के व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाने का प्रयास करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कभी खुद को साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आपको आवश्यकता भी होगी। आर्थिक मामलों में हाथ जो है आपका तंग रह सकता है। दोस्तों यह समय अपनी गतिविधियों की गोपनीयता बनाकर रखें, अन्यथा कोई आपके जो है कार्य में बिघ्न डालने की कोशिश कर सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके विचारों में आपको सकारात्मक बदलाव भी दिखेगा जिनकी वजह से खुद के अंदर जो बदलाव लाना है उनके बारे में भी आप सोच सकते हैं। दोस्तों यह समय व्यक्तित्व को और अधिक आकर्षित बनाने का प्रयत्न आपके द्वारा किए जाएंगे। लोगों से जुड़े रहना और रिश्तों को गहराई से निभाना, यह दोनों बातों पर यश में आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से यह समय आपको मुक्ति मिलेगी और दोस्तों किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले पारिवारिक सदस्यों की सलाह अवश्य लें। संतान के करियर संबंधी कोई सूचना मिलने से घर में जो है उत्साह भरा वातावरण भी रहेगा।
साथ ही दोस्तों कहीं पर भी पैसा इसमें निवेश ना करें या फिर ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों इसके लिए समय जो है अभी उतना अनुकूल नहीं है। दोस्तों किसी के साथ भी इसमें संबंध ना बिगाड़ें, अन्यथा समाज में आपकी छवि इसमें खराब हो सकती है। विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई पर जो है ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में भावनाओं के प्रति आप अधिक संवेदनशील रहेंगे, इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखकर लोगों द्वारा बोली गई हर बात का गहराई से जाकर अधिक सोच विचार न करें। खुद के द्वारा किसी काम या फिर वचन की पूर्णता न कर पाना खुद के प्रति नाराजगी बढ़ा सकता है। दोस्तों यश में अधिक वक्त आप जो एकांत में बिताने की कोशिश भी करने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि रुपये की आवक के लिहाज से समय श्रेष्ठ है। दोस्तों आप अपनी सोच अपनी बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल भी प्राप्त करने में यश में सक्षम रहेंगे। दोस्तों किसी संत या फिर अपने गुरु के सानिध्य में रहना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। बच्चे यश में आज्ञाकारी बने रहेंगे, परंतु दोस्तों आपका ज़्यादा अनुशासित स्वभाव अन्य लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। दोस्तों आप पर जिम्मेदारियों का दबाव रहेगा, ये जो समय है आपके लिए किसी भी प्रकार की यात्रा न करें, दोस्तों आपके लिए नुकसानदायक यह रह सकता है। और इसके उपरांत यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको काम द्वारा खुशियां मिल सकती है और किसी कठिन काम को पूरा करने की वजह से खुद के प्रति आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, और दोस्तों काम की पूर्णता का आनंद भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग भी मिल रहे हैं। अधिक संयम बनाकर जो है अपने प्रयत्नों को बढ़ाना आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपके काम करने का जो जोश होगा और जो जज्बा होगा गजब का रहेगा। दोस्तों सहकर्मी और अधीनस्थ कर्मचारी का यश में पूरा सहयोग आपके ऊपर रहेगा। दोस्तों यश में गैर कानूनी काम करने से बचे हैं, अन्यथा बुरी तरह से आप फंस सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपका जो है पारिवारिक व्यवसाय है, तो दोस्तों यश में उन पर अधिक ध्यान केंद्रित रखें। नया काम शुरू करने के लिए ग्रह स्थिति अभी उतना आपके पक्ष में नहीं है। किसी भी कार्य में घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी सदस्यों का सलाह जरूर लें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए जो समय होंगे, ऑफिस की कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव यश में आपके लिए आने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बीमा तथा कमीशन संबंधी कार्यों में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। ये जो समय है आपके लिए व्यावसायिक कार्यों के लिए जो समय होंगे, किसी भी पर यश में आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, आपके साथ कोई विश्वासघात यश में कर सकता है। दोस्तों यश में व्यावसायिक कार्यों पर किसी पर भी भरोसा ना करें, आपके साथ कोई विश्वासघात भी यश में कर सकता है। आपके सपने जल्द ही यश में साकार होने वाले हैं। दोस्तों अपनी योग्यता और फिर क्षमता पर आप विश्वास रखें और इनका भरपूर इस्तेमाल करें। किसी नए काम की शुरुआत भी हो सकती है, परंतु दोस्तों ये जो समय है आपके लिए अधिक लाभ की उम्मीद भी ना रखकर अपने कार्यों को पूरी मेहनत तरीके से करने की आपको जरूरत होगी। दोस्तों आपको बता दें कि भविष्य में यही काम आपको फायदा देने वाले हैं। दोस्तों यश में मार्केट में आपकी व्यापारिक छवि बहुत अच्छी बनी रहेगी, उसे बरकरार रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पति पत्नी के बीच बेहतर सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में छोटी सी बात को लेकर खटास भी आ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक सदस्यों का सहयोग तथा एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना घर के वातावरण को खुशहाल बनाकर रखेगा तथा घर की व्यवस्था भी यश में उचित बनी रहेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपको कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर रखने में दिक्कत भी रह सकती है। बेहतर होगा कि दोस्तों यश में आप शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थितियों को सुलझाने की कोशिश करें, यह आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में सुधार आएगा और आप यश में अपने आप को स्वस्थ महसूस करने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी कुछ नकारात्मक विचार भी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। मेडिटेशन करें तथा कुछ समय जो है प्रकृति के साथ भी व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होने वाले हैं।
और दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि खांसी जुकाम जैसी परेशानी भी आपको रह सकती है, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए उचित उपाय होगा, तो इस पर जरूर ध्यान दें। और दोस्तों इसके उपरांत आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, कोई चोट या फिर दुर्घटना जैसे योग भी बन रहे हैं। तो दोस्तों ये सभी उपाय आपके लिए बेहतर होंगे, तो इन पर जरूर ध्यान दें।